अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कुछ अमृत वचन हम अपने मन से कहना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने जो सभी को सम्मान दिया, सभी से आशीर्वाद लिया, तो हमारा पहला है कि हमने जो सोचा है फिर इनकी बैठ के कि ब्रह्म परमात्मा जगत पिता धरती माता को प्रणाम, सूर्य हवा पानी वायुमंडल अन्न जल खाद्यान्न को प्रणाम, जो सदैव हमारे साथ का देवता है। फिर हमारा घर आ गया, सब माता पिता गुरु भाई बहन समाज शासन को प्रणाम, प्रगति की देन उनका समय चक्र नक्षत्र किस नक्षत्र में किस काम को हो जाए उसको हम निवेदन प्रणाम कहते हैं। मध्य शासन भारत सरकार के महान भावों को निवेदन प्रणाम, संत समाज इंजीनियर विज्ञानिक डॉक्टर सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। मैंने ये प्रयास किया है कि लगातार मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति एक छोटे से गांव का रहने वाला किसान का बेटा हूँ था और पिताजी बचपन में गुजर गए थे, माताजी ने पालन पोषण किया, कुछ मन में लगा कि मैं ऐसा काम करे तो एक प्रोजेक्ट बनाया जो आप देख रहे हैं ना। मैंने लगातार 30 वर्षों से प्रयास किया, कहाँ कहाँ गए, कितने लोगों से अपना आशीर्वाद मांगा, सलाह ली और जगह जगह अपना प्रोजेक्ट को ले गए, तो कई मॉडल बनाए और हमारा जो अंतिम मॉडल है जो आप देख रहे हैं इसका नाम पवन पानी पावर से चलने वाला एक सही ट्यूबल प्लांट होगा। पहला हमारा है कि जो जमीन अरबों साल से बिगड़ पड़ी है आप इसको देख रहे हैं ना, तो ये हमने उस चम्मच के किनारे का सील लिया है कि चम्मच के किनारे दोनों तरफ अरबों साल से लाखों एकड़ जमीन बिगड़ पड़ी है। अगर हमारे सरकार उस पर ध्यान देती है तो एक लिंक रोड बनवा दिया जाए, वहाँ एल्ब लगा करके उसको कछावर के रूप में बदल दे, तो हमारे लाखों किसानों को लाख एकड़ जमीन मिल सकती है। एक एकड़ जमीन में एक किसान के 10 लोग खाना खा सकते हैं, क्योंकि 10 क्विंटल धान 10 क्विंटल गेहूँ होता है, तो वहाँ 5 पेड़ लगाएगा, 2 गाय रखेगा, तो लाखों पेड़ों वहाँ हरियाली हो जाएगी। फिर आप जो देख रहे हैं ना, तो हमने एक प्लांट बनाया कि हमारा जो पानी का बहाव होगा, तो जब पानी के बहाव से हमारा टावर घूमेगा और ये ऊपर जो पंखे हैं ना, तो ये यहाँ कम घूमेंगे लेकिन इनकी साइज बहुत बड़ी होगी, तो ये पूरे घूमेंगे और इससे बिजली बढ़ेगी। देखो आप जो देख रहे हैं ना, तो ये घूमने लगे पूरे, और हमारा ये प्लांट बहुत बड़ा होगा। इसमें हमारे माननीय निकुल श्रीवास्तव प्रमुख सचिव और हमारे मंत्री जी और हमारे डीडी साहब काफ़ी लोगों ने अभी की तत्काल रिपोर्ट है मंगलवार की कि विज्ञान भवन में भेजा, उन्होंने कहा हम इसको टेस्ट करवाते हैं, और निकुल श्रीवास्तव जी ने तो आसपास कह दिया कि दादाजी तो हिम्मत आ रहा, हम इसको दिल्ली तक और मंत्रालय के उससे तकत से भिजवाएंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट आज हम इसकी अंतिम रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं जो हमें जबलपुर भेजना है, और जबलपुर वालों से भी हमारा बिजनेस निवेदन है कि हम तो एक कबाड़ खाने की जो सामान से जुगाड़ से हमने जो लेटेस्ट सामान था उसको हमने बनाया है, हम भी कम पढ़े लिखे हैं तो हम लेटेस्ट सामान है, और उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आपको सेलेक्ट करना है तो आप तो महान भाव एक लाख ऑफिसर है, अगर एक रिजेक्ट चीज को आप सेलेक्ट कर देंगे तो उसमें लाखों एकड़ और लाखों लोगों का भला होगा, हमारे देश को हरियाली मिलेगी और भविष्य में आने वाले में हमारा जो प्लांट होगा ना, इसमें कोई कोयला ना कोई डीजल, सिर्फ हमारा पवन पानी पावर से चलने वाला प्लांट होगा। इसके लिए हम उनसे निवेदन करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं कि अगर सेलेक्ट हो जाता तो थोड़ा बहुत सहयोग कर दें तो ये चीज़ बन जाएगी, तो बहुत हमें अच्छा लगेगा, हंसी हमारी उम्मीद है और आपसे हमारी प्रार्थना है कि इसको देखिए और अच्छे मन से बचा करिए। मैंने कितनी मेहनत की, मैंने कितना काम किया, आज भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। इसका नाम रखा है पवन पानी पावर से चलने वाला सहयोगी पूर्ण प्लांट। ओके, पवन पानी पावर से चलने वाला सहयोगी पूर्ण प्लांट, सहयोग आप लोगों का रहेगा, ठीक है, ये प्लांट पूरा हो जाएगा। पूरन आपका नाम है? हाँ, तो हमने देखा कि देवास में बड़े बड़े पंखे खड़े तो वो अधूरे हैं, हमने इसका चालू किया प्रयास पूरा, ये चलेगा पूरा, तो ये चारों घूमेंगी, चारों और चार जो लाइट बनेगी ना, तो हमारे पास मतलब एक काम में पावर दे दिया है, तो एक ही खास हो जाएगा कि तीन की बच जाएगी, अगर हमारा पानी है तो पावर देना है, इसी से जनरेट है, ये आप पूरा मूवमेंट इसी से होगा, तो ये पूरा चलता रहेगा पानी के बहाव से, तो ये पूरे घूमते रहेंगे, ये बड़े पैमाने पर होगा, ये तो रहेगा मूवमेंट अपना 10 फुट का, लेकिन ये पंखी होगा कम से कम 200 फुट दूरी, ताकि उनको हवा में लग गति तब ये चल पाएगी। ये आप देखा, इसकी सपोर्ट दी हमने, इसका लोड ये सपोर्ट ले दी, ये चार में सपोर्ट दे दी, ताकि ये लोड से अपना जैसे अपना पुल बनता है ना, उस पर आपने देखा वो पूरा पुल को उठा देते हैं उस सपोर्ट से। तो हमारा प्लान है कि हम चाहते हैं कि हमारा पहला है कि हम जमीन जो अरबों साल से बेहद पड़ी ऊबड़ खाबड़ पड़ी है उसको हम समतल करके
और जिस जहाँ जिस योग है वहाँ खेती करे, कृषि योग भूमि और पेड़ पौधे लगाए। और फिर आपकी मदद से हम कृषि मंत्री डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं कि उन्होंने बहुत साथ दिया, तो हम चाहते हैं कि फिर ये प्लांट लगेगा आपके सहयोग से। तो इसमें हमें चाहिए कि हमारा मतलब है कि आज हमारा देश पूरे भविष्य में पहुंच चुका है विकास पर, कल क्या होगा, कोयला बिजली पानी नहीं मिलता, तो हमने बनाया कि खुद के साथ सब होकर के अपना काम करें। तो फिर बढ़ाया इसका मतलब पवन पानी पावर से चलने वाला सहयोगी पूर्ण प्लांट। ये कौन सर का किसान का जैसे अगर तो पंप रखा है तो उसका पानी इसको डालो तो इसका जो प्रेशर बनेगा ना ये घूमेगा, तो वो पानी गया खेत में और जब इसको चला तो उसकी लाइट होगी ना वो अतर लाइट मिल जाएगी। तो ये हमारा प्रयास है। अच्छा अच्छा, और हमारे नेपाल सीमा सर भी आए थे जो भोपाल कलेक्टर साहब थे, तो उन्होंने कहा था कुछ लगा दो। और हम उनसे चाहते हैं कि आप सब अपने विद्यालयों की इकट्ठी है तो उनको हम एक आध दिन दिखाएंगे पूरा दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमने पूरा बनाया कि बिल्कुल ये तो एक दिन बंगले पे ले जाके दिखा जी, ये चलाने का है, बाकी तो नहा से भी चलेगा। हाँ। इसको पूरा सामान लगा दिया, वाटर फ्लोइंग होगा ना फोर्स से, तो अपने ये हम बना रहा बड़ा वाला कि हमारा ये घूमने का, हमने से बैरक लगा दी जो सब पूरा लोड रहेगा, ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया और ये इसको मतलब ये काम कर रहा है सर, रात में काम करते रहते, रात में उठे 4 बजे लिखते हैं फिर सोचते हैं फिर काम करते हैं। वैज्ञानिक को तुम खोज कर रहे, आविष्कार कर रहे और नवीन नियंत्रण तकनीक से बना रहे, बना के उसको मोमेंट दे रहे कि ये आखिरी रूप से सफल हो जाए। जी जी सर, ठीक है।